मुश्किल एक ही चीज़ थी, दैट वाज द वेदर. अदरवाइज सेट पे हमने बहुत फन किया. हम हॉरर मूवी शूट कर रहे थे बट द होल कास्ट इज़ जस्ट अमेजिंग. और हम चार लड़कियाँ और दो लड़के हमेशा साथ में हम लोग बैठे रहते थे. इट वॉज़ नॉट लाइक कि सब अलग अलग बैठे हुए हैं. यूजली ऐसा हो जाता है जब बहुत बड़ी कास्ट होती है तो कुछ ना कुछ यू नो प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था. एंड वी वर देयर विद टुगेदर ऑल द टाइम. और या वेदर, लाइक आई सेड कि वेदर बहुत ठंडा था. और सो दैट वॉज द आई थिंक डिफिकल्ट पार्ट. अदरवाइज इट वॉज फन. या सिमिलर एक्चुअली इट द सेम थिंग. एंड मुश्किल इनिशियली तो हम लोग व्हेन आई वाज़ साइन द फिल्म थोड़े मुझे भी डर लग रहा था. यू नो थ्री अदर हीरोइंस एज लीड्स एंड ऑल दैट पर्सनालिटीज एंड स्टफ लाइक दैट, बात से ये होता है. बट टच वुड फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड द फुल टीम, ऑल द गर्ल्स आर एक्टर्स. एंड अ बिग शाउट आउट टू माई डायरेक्टर एंड हिज इंटायर टीम, यू नो ईच एंड एवरी वन ऑफ हिम, द ADs. एंड उन्होंने बहुत ख्याल रखा हमारा. आई मीन हमारे को जो यू नो इन दैट ठंडी में जो दिक्कतें आती थी टू शूट, आई मीन हाथ पैर ठंडे हो जाए, यू कान फील योर फीट लिटरली, यू नो योर फ्रीजिंग लाइक दैट. एंड यू नो देड ऑलवेज बी दैट, यू नो टू कीप यू वॉर्म एंड यू नो टू मेक श्योर योर कम्फर्टेबल एंड ऑल दैट. एंड यू नो आई मीन रियली रियली टुक सो सच गुड केयर ऑफ आस के माइनस आठ या दस या जो जितना भी टेम्परेचर गिरता था हम फिर भी खड़े होकर काम करते थे. तो एंड टीम अच्छी हो ना, अगर आई थिंक अगर ग्रुप इंटायर अच्छा हो, नॉट ओनली डायरेक्शन एंड एक्टर्स बट लाइट डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, हमारे सारे हेयर मेकअप की जो टीम सब थे बेचारे, ऑल ऑफ देम वर ऑल्सो सफरिंग विथ अस एंड वी ऑल टुक केयर ऑफ ईच अदर. एंड आई मीन बाई द एंड ऑफ इट बिकॉज इतना सारा सबकी इतनी मेहनत लगी है, आई थिंक नाउ टू सी मुश्किल हियर इज़ अ वेरी फैंटास्टिक फीलिंग. और अगर आप मुझे पूछे कि हाउ आई फील राइट नाउ, आई फील वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. या दिस वॉज अ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस. जैसे कि बाकी माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी सेड दैट कि जो इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर एवरीबडी, लाइक फ्रॉम डायरेक्शन टीम टू प्रोडक्शन, इतनी ठंड में शूट करना, बट सब ने विदाउट किसी प्रॉब्लम के सब ने शूट किया है. एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी देयर. एंड आफ्टर वॉचिंग द फाइनल प्रोडक्ट वी कैन से दैट कि थैंकफुली वट एवर हार्डवर्क वी हैव डन वो अब सबके सामने आने वाला है. एंड आई एम श्योर दैट पीपल विल लव इट बिकॉज द होल फील ऑफ द फिल्म इज़ वेरी यूनिक. एंड दैट्स ऑल आई कैन से. आई थिंक इट्स द टीम वर्क. जब टीम अच्छी होती है ना तो आपका काम कितना ही मुश्किल हो आसान हो जाता है. सी कैरेक्टर का स्टोरी से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है और वो मुश्किल में है. हम सबका कैरेक्टर कहीं ना कहीं इट्स कनेक्टेड टू समथिंग. बेसिकली आई थिंक परफॉर्म करने के लिए इज़ वन थिंग. वी हैड अ लॉट ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस, मतलब बहुत सारे स्टंट्स थे एंड स्टफ लाइक दैट वेयर यू नो आई एम गर्नीज पे थे एंड देन यू गेटिंग फ्लंग अराउंड एंड ऑल दैट. तो मैं आई हैव नेवर डन दैट बिफोर. तो उस फॉर मी आई मीन परफॉर्मेंस इज़ वन थिंग, कैरेक्टर वॉज गुड एंड ऑल, बट दिस वॉज अ न्यू चैलेंज क्योंकि स्टंट्स हम अपना खुद ही कर रहे थे, यू नो. तो आई थिंक दैट वॉज अ लिटिल चैलेंजिंग क्योंकि ठंड भी थी and it was a little dangerous also kyunki you know slip ho jaye insaan and we were on these really rocky edges, you know ye rocks se hamare papingo mein to hame badi aaste aaste log ke haath pakad pakad ke jana padta tha and all that. and in that whole shot ek hamara scene tha climax ka where my DOP was on top of a fox ring and he was latkoing upside down with the camera, yeah, you know. and I mean it was very dangerous because god forbid kuch ho jaye to and it was snowing. It was very scary, लेकिन आई गेस आप जब आपके कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ नया करते हो तब आपको इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर बिकॉज यू नॉट डन समथिंग दैट लाइक दैट बिफोर. तो फॉर मी आई थिंक अगर परफॉर्मेंस वाइज बोले जाए तो मुझे ये सब जो ये जो क्लाइमैक्स जो सीन्स थे और दो सीन्स होते हैं ना, दो वॉज समथिंग न्यू टू लर्न तो एंड न्यू टू डू. तो परफॉर्मेंस वाइज दैट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज एंड इट वॉज ग्रेट ब्रिलियंट. आपने कहा चार लड़कियां, वो पोजेस्ट हो गई है सच में, जो चौथी है
सो शी वो सरप्राइज में आएंगी बढ़ जाते ना यहाँ पे वो बाद में आएगी और वो आएगी बहुत धूमधाम से वो आत्मा है और वो घूम रही है यहाँ पे मुश्किल एज अ प्रोजेक्ट सीम वेरी इंटरेस्टिंग टू मी आई थिंक जब मेरे पास आया तो जब मेरे पास राजीव जी ये प्रोजेक्ट लेकर आए सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग जबकि आई वॉज इन माई माइंड वेरी फिक्स्ड कि अभी मैं हॉरर थोड़े टाइम नहीं करूँगा बट वेन ही गॉट द स्क्रिप्ट टू मी वेन ही गॉट माई रोल टू मी अवीर जो है तो अवीर वॉज नॉट अ विक्टिम विच यूजली आई प्लेड इन माई हॉरर फिल्म और इन अ थ्रिलर दिस गाय इज समवन जो जो इन कंट्रोल है वो इंटेंस है वो मतलब उसकी उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं और उसने ओवर द टाइम ऐसी पावर्स गेन की हैं जिससे वो सोल्स को इन शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है तो वो पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा करने को एंड उसके साथ में इसका एक रंगीन साइड भी है इसकी मतलब ये बनारस से है तो इसकी एक बनारसी जो एक पंडित फैमिली से है बट वहाँ पर इसका जो कलर है वो बहुत ही डिफरेंट है सो यू विल गेट टू सी अ डबल साइडेड गाय एंड आई थिंक जो फिल्म में आके एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है तो आई वुड से दैट दैट्स व्हाट इंटरेस्टेड मी टू डू द फिल्म जी जी हॉरर इज़ अ वेरी डिफरेंट जॉनर इट्स ऑब्वियसली गॉट अ ग्रेट ऑडियंस आज भी अगर आप हॉरर फ्रैंकली स्पीकिंग हॉरर में लैंग्वेज का फ़र्क नहीं पड़ता है it's basically it's about how you treat it and it's the background score it's the way the performances are it's the way I think the whole graph goes to us angle se main ye nahi kahunga ki koi bhi aake horror bana sakta hai uske liye bahut detailing chahiye and usme obviously ek acche producer ka saath chahiye kyunki vfx jo hai bahut important hota hai and performances and to shoot a film is still very easy But to do proper VFX, to do a quality VFX, and to give the right sound to it is very, very, very important. And उस angle से राजीव रुईया इन्होंने पिछली जो बनाई थी सांसे, which I was a part of also, was a very good film, very nicely made film. So as per that, I think he's done, he's made मुश्किल at a very good level. तो अब बाकी obviously audience के हाथ में है कि उनको कैसी लगती है एंड उन्हें कितना डर लगता है इससे कितना वो enjoy करते हैं एंड रेस्ट आपको आई थिंक कुणाल भी बताएंगे जी रोमांस तो इनमें कूद कूद करता है इसके बाद मैं बस रोमांस ही करने वाला हूँ अभी कॉमेडी तो अभी बिल्कुल ही नहीं बस मुझे रोमांस ही करना है वो भी ग्रीस में नहीं क्या है कि जब राजीव मेरे पास आए और ही रियली इमेजिनड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर मुझे ज़्यादातर एक ही किस्म के रोल्स कॉमेडी रोल्स ज़्यादातर मिल रहे थे एंड आई थिंक कि इस बार मुझे एक एक बहुत ही ब्रैश लाउड फ्लर्टेशियस कैरेक्टर मुझे ऑफर की थी एंड आई थिंक कि वो करना वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी ऑल्सो आई थिंक कि मुझे बाहर गांव जाके किसी विदेश जगह में जाके उन वादियों में एक रोमांस का गाना करना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी मतलब बचपन से लेके आप देखते आ रहे हैं कि भाई ये हीरो लोग ऐसे ऐसे करते हैं ग्लेस पहनते हैं लिनन जैकेट पहनते हैं और रोमांटिक सॉन्ग्स गाते हैं तो वो भी मौका मुझे मिल गया मुझे तो बहुत मज़ा आया वो करने में एंड आई थिंक कि ज़्यादातर ये हॉरर फिल्में जो हैं वो सीक्वेंसेस के ऊपर बनती हैं जो हॉरर सीक्वेंसेस आप बनाते हैं और उसमें बहुत टाइम लगता है ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही आसानी से आप ये कर सकते हैं वो शूट करने में वो एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लगता है बहुत प्रोडक्शन का सपोर्ट लगता है क्योंकि वहाँ पे डायलॉग्स शायद इतने ज़्यादा ना हो मगर सीक्वेंस बनाने में बहुत टाइम लग जाती है तो वो करने में और उस कंडीशंस में बहुत ठंड थी वहाँ पे और उन सारे कंडीशंस में हमने वो ये पूरी फिल्म एग्जीक्यूट की है बहुत ही स्मूथली हमने शूट की है ये फिल्म तो मुझे तो बहुत मज़ा आया ये फिल्म करने में और होपफुली लोगों को भी मज़ा आएगा ये फिल्म देखने में तो देखते हैं कैसा जाता है दोनों प्रोड्यूसर्स से जानना चाहूँगा सर इतने सारे स्टार कास्ट को एक साथ लेके आना कितना इजी या डिफिकल्ट था और कितना इनपुट रहता था ऑन सेट या फिर जो भी शूट हो रहा था डिफिकल्ट था आपसे नहीं डिफिकल्ट तो नहीं था
It was like a family only. Like, I never felt there was any problems. They were very cool. They were just focused in their work only. ऐसा कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हमें. एक महीना कैसे निकला पता ही नहीं चला. कितना इनपुट रहता था आप लोगों का? Like, I was not interfering at all in the shooting and all. Like, that was not my work. That was director's work. But initially when I took the script, I liked the script. Script में जान थी, अच्छी थी script. And we wanted to execute it very nicely. That's why we chose in Greece. And not in Greece, we didn't go to the sea. Because it's known for the islands and beaches. We went to the hills. That is the first time somebody showing in Greece. Because normally people, they go to beaches, Mykonos and Santorini. You know, all the films they shot over there. This is something new. People, they don't believe that this is Greece first of all. Because people, they don't know that they have mountains and the villages like this.